जो देश भागने वाला और देश को बेचने वाला, रेलवे को बेचने वाला, एलआईसी को बेचने वाले इस देश में है, लेकिन गरीबों का लड़ाई लड़ने वाले लालू जी जेल में है, उसके लिए चिट्ठी लिखी जाती है और मैया राबड़ी कहती है, क्या कहती है, सोचने की बात है। देश बेचने वाला है, जो रेलवे को बेच दिया, लिखा जाता है रेलवे देश की संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, कृपया आपको कभी आप ध्यान दीजिए, इसको बेचिए मत। एलआईसी आपकी संपत्ति है, एलआईसी मत नहीं, जीवन बीमा, आपको जीवन को बेच दिया गया, लेकिन लालू जी किए क्या है, आपका हक का बात किए, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। नीरव मोदी, विजय माल्या देश की संपत्ति लूट के लेकर चले गए। कोरोना वोरा नहीं था भाई, भूल के भी अपना फेरा मत पड़िएगा। कोरोना देश में इसलिए लाया गया जबरदस्ती, ताकि देश की संपत्ति को उस समय बेच दिया जाए, कोई आंदोलन नहीं करे, बस इसीलिए। लेकिन राबड़ी मैया कहती है, उठा उठा, अरे तेजो हाथ में जसमी, आई ले भी पता बड़ी जो है। इसलिए नहीं करती है लालू जी को छुड़ाने के लिए, कहती है कि जिस दिन देश के सच्चा नेता मर जाएगा, उस दिन देश की कतारों की चाल सफल हो जाएगी, इसलिए आप लोग जगिए। कहतारी रावणी हो मैया, अरे कहतारी रावणी हो मैया, बजाओ हो स्वामी गईले जेलवा के हो, कहतारी रावणी हो मैया, तो तुम लोग के लड़े के बा आगे के लड़ैया, तोहरे खटिया और तोहरे दुआर और दोस्तों कोई बन कर रही मालिक याद कर लो दे। सही बोले तारे भाई, बड़ा नहीं खे माने के हमार बहुत मित्र बात छोटू भाई, तुम्हें खुल के कैसे बोले ला, बोली ला सही बात भाई। देख लीजिए आप लोग चिल्ला चिल्ला देखा रहा, हमारा आपके ससुर जी आए भाई, देखा पद्मिनिया नरेश राम बिहारी यादव, यहाँ के हमारे दीदी के ससुर रही से हम ससुर न कह सकेला है, तारा बेटी का हमरा को हम जाए द ससुर जी है, गाड़ी ना दे हम फिर पैसा दे देनी कहनी है भाई, समझे के बात बा। बहुत चिल्ला रहे थे आप, थल्ला हम विरोध नहीं करता, मोदी मोदी मोदी, लेकिन मोदी जी रेलवे को बेच दिए। जो लड़का ग्रुप डी का तैयारी कर रहा था, रेलवे आईटीआई ड्राइवर का तैयारी कर रहा था, उसका नौकरी छीन लिया गया। पकौड़ा तालो भाई से कहता नहीं कि तू ही लोग के लड़े के बा देश के लड़ैया, गांजा देश के खेला देखो खेला ले बोल के लास्ट समय जाता हूँ। आज वो भी मेरे देश के कादार है, जो जो अपने ऑफिस में कम से कम 18 वर्ष तक तिरंगा